हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज के बायोलॉजी वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूं, जिसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 5th आज हम पढ़ेंगे, यहां पे समझेंगे क्या है। क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो इस तरह हैं, क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की कि लॉकडाउन या कोरोना के चलते जो स्कूल्स हैं वो ओपन नहीं होने वाली हैं, तो उनके सिलेबस जो रहेगा वो कैसे कंप्लीट होगा। तो साइंस का जो सिलेबस रहेगा वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपका यहाँ पे। जैसे 9th एंड 10th की जो साइंस है वो यहाँ वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे, फुल सिलेबस जो फुल कोर्स रहेगा उसके, और उसी के साथ जो 11th 12th बायोलॉजी है उसके भी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर कंटेंट पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, किसी तरह का पे आपको करना नहीं पड़ रहा है, तो इसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और इसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए 9th क्लास का जो चैप्टर है 5th, वो मैं लेके आई हूँ, जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 5th चैप्टर है आपकी साइंस 9th क्लास का एनसीईआरटी का। बट अगर जैसे पूरी साइंस में देखा जाए, क्योंकि 9th क्लास में साइंस जो सब्जेक्ट है उसका डिवाइडेशन नहीं है, ठीक है। जो साइंस है पूरी एक विज्ञान, वो पूरे एक सब्जेक्ट बोला जाता है, किसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो डिवाइड नहीं है, वो चैप्टर सभी एक साथ हैं। बट हम क्या करते हैं, उनको अलग डिवाइड कर करके पढ़ते हैं, ठीक है। और 11th एंड 12th जो है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिल्कुल अलग सब्जेक्ट में डिवाइडेड हैं और उनको उसी तरह से पढ़ा जाता है। तो आज मैं आपके लिए 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का रहेगा वो फर्स्ट चैप्टर, और क्लास का जो फुल कोर्स का है वो 5th चैप्टर है। हम क्या करेंगे, पहले मैं बायोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट करवा दूंगी, फिर इसके बाद मैं केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। इस तरह क्या होगा कि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 10th में भी यही सीरीज रहेगा, 11th एंड 12th के वीडियोस जो हैं कंटिन्यूसली वन बाय वन आते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इसी के साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये नीट प्रिपरेशन के वीडियोस थे बीच में रुक गए थे, अब जो इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो कि कंटिन्यूसली डेली डोज के अकॉर्डिंग नहीं बट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे, ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि 9th क्लास का है और बायोलॉजी इसलिए जीव विज्ञान का है सेक्शन जो रहेगा इसका, ओके। तो जो फंडामेंटल यूनिट है, जैसे चैप्टर का जो हेडिंग है टाइटल है, तो उससे हम क्या समझते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो लाइफ के फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, जीवन की जो मौलिक इकाई है, ठीक है, वो क्या है। तो वो होती है सेल, वो क्या होती है, वो होती है सेल। तो सेल क्या है, सेल द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल, यानी शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वही क्या है, कोशिका है। जो वीडियोस में लैंग्वेज है वो बाईलैंग्वल रहेगी, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को जनरली कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ओके। और नोट्स जो रहेंगे वो आपको जिस भी हिसाब से आपके मीडियम के अकॉर्डिंग, दोनों नोट्स इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लिंक अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो सेल क्या है, सेल स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, जिससे बॉडी का स्ट्रक्चर बने, और फंक्शनल यानी वर्किंग जो कंडीशंस जो रहती हैं, वर्क जो करते हैं सभी, उस टाइप की जो यूनिट है वो बॉडी की, वो क्या है, वो सेल है, ठीक है। तो देखिए, द सेल गिव्स शेप टू आवर बॉडी, सो इट इज़ द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बनाती है, शेप देती है, वो सेल से ही मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और जो फंक्शंस हैं वो बॉडी के, वो भी सेलुलर लेवल पे ही होते हैं, कोशिका स्तर पर होते हैं, तो इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो सेल जो क्या है, एक बहुत ही छोटी सी यूनिट है। तो आप इसको एक चीज़ से समझिए कि जिस तरह एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, बिल्डिंग में जो पूरी बिल्डिंग बनती है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है, रूम्स में बहुत सारी वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, और दीवारें जो किससे बनी होती हैं, ईंटों से बनी होती हैं। यानी जो स्टार्टिंग है एक बिल्डिंग के बनने की, वो फर्स्ट किससे होगी, एक ईंट से, जिससे एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनना स्टार्ट होगा, ईंट जब एक साथ जुड़ेंगी, यानी ब्रिक्स जब एक साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनने लगेगा, और कुछ टाइम बाद वो बिल्डिंग कम्प्लीट हो जाएगी, ओके। तो ईंट क्या हो गई या ब्रिक क्या हो गई, एक यूनिट हो गई फुल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, जो कि फंडामेंटल यूनिट हो गई। इसी तरह क्या होता है कि बॉडी
चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसमें एक फंडामेंटल जो यूनिट रहती है वो रहती है सेल। सेल सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। तो ये जब सेल्स मिलती हैं तो बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं, यानी कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती हैं, फिर टिश्यूज़ बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया क्या होता है कि एक बिल्डिंग बनती है, तो जब ईंटें हम लगाते हैं तो पहले क्या बनता है, दीवार खड़ी होती हैं, यही होता है ना, वॉल्स खड़ी होती हैं। फिर उसके बाद वो जब चार तरफ बन जाती हैं तो वो एक रूम बनता है, तो उसी तरह क्या हो जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। सेल के बाद में टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद बॉडी सिस्टम, ठीक है, बॉडी सिस्टम के बाद फुल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है, ये फंक्शन चलता रहता है सेल का, कि सेल से क्या बनेंगे, टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बॉडी सिस्टम एंड देन बॉडी, ठीक है। तो इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये बता ही दिया है कि जो शेप बनाते हैं सेल, शेप प्रोवाइड करती है बॉडी को, और फंक्शन जो होते हैं वो सारे सेलुलर लेवल पे होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ओके। तो अब देखिए थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने बार्क ऑफ ट्री यानी कॉर्क पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने बीहाइव के छत्ते जो होते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके जैसे चैम्बर्स देखे, उसके अंदर उसने कहा कि ये एक सेल है। बट बात यह है कि उन्होंने ये माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया था, तो वो जो सेल उन्होंने लिया था, ठीक है, वो थी डेथ सेल। कैसी सेल थी, डेथ सेल, यानी एक मृत कोशिका के ऊपर उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट। तो जो सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी वो 1665 में की थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क है उसके अंदर बीहाइव की जैसी जो स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें क्या कहा कि इन्होंने जो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं ये किसी एक पर्टिकुलर छोटी सी यूनिट से बने हैं, जिसे इन्होंने सेल नाम दिया था, ठीक है। और वो जो सेल है उसको, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, यानी एक छोटा कमरा, यानी बहुत सारे छोटे कमरे मिलके एक बड़ा सारा जो वो जो छत्ता था या कॉर्क था वो पूरा बन गया था। तो ये कैसी सेल थी, हैं डेथ सेल थी, जिनमें जिन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसी वजह से क्या होता है कि रॉबर्ट हुक जो है उसको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। बट ये क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी पहले, और जो अब मॉडर्न साइटोलॉजी है वो स्वान, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो है वो स्वान है। तो अब इसके बाद देखिए एक लाइन है कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831। तो यानी रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस जो रहता है वो सेल में ही प्रेजेंट होता है, यानी केंद्रक, और 1831 में की थी। रॉबर्ट हुक ने जो है ये अपना एक्सपेरिमेंट जो थी, और सेल जो होती है वो हम ऐसे अपनी नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करना पड़ता है। और जो माइक्रोस्कोप था उस टाइम का वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, अब जो हम पढ़ते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस तरह के माइक्रोस्कोप्स के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो थे, सेल की डिस्कवरी होने के बाद सेल पे थ्योरीज आने लगी। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से बने होते हैं, ठीक है, तो इनके बेसिक जो यूनिट रहती है लाइफ की वो भी सेल ही होती है। तो जो ये थ्योरी थी कि सेल से बने हैं और ये जो इनकी बेसिक यूनिट है ये सेल ही है, तो वो स्लाइडन एंड स्वान ने की थी, ठीक है। और इसके साथ ये सेल थ्योरी जो है वो स्लाइडन एंड स्वान की सेल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन सेलुलर बेसिस, यानी जैसे अब कोशिकीय के आधार पर जीवों का प्रकार क्या होते हैं, यानी जैसे सेलुलर लेवल्स जो रहते हैं सेलुलर बेस के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे होते हैं, या तो एक कोशिकीय होते हैं यानी यूनिसेलुलर, या बहुकोशिकीय होते हैं यानी मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दो टाइप के सेल्स होते हैं, जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं दो टाइप के। तो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होगा, यूनि का मतलब होगा वन, ठीक है, और मल्टी का मतलब होगा बहुत सारे। तो यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उस ऑर्गेनिज्म के, और जो भी फंक्शंस होंगे वो सभी एक सेल के उससे ही पूरे होंगे। तो इसमें एग्जांपल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरियाज जो रहते हैं वो सब होंगे, ठीक है। और मल्टीसेलुलर है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, यानी सभी सेल्स का वर्क भी अलग अलग होगा, कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन कौन सी सेल या कौन से ऑर्गन परफॉर्म करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि सेल्स जो रहती हैं उसके बाद टिश्यू, एंड टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और ऑर्गन्स जो रहते हैं बॉडी में सिस्टमेटिक तरीके से फिक्स रहते हैं, जिसके बाद बॉडी सिस्टम बनता है, और बॉडी सिस्टम जो है वो फुल बॉडी का फॉर्मेशन करता है।
तो उसी के अकॉर्डिंग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर पता ही होगा फिर प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म, सेलुलर लेवल पे जो रहते हैं मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, यूनि यानी वन, मल्टी यानी बहुत सारे, यानी एक सेल से पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा और बहुत सारी सेल्स का अलग अलग वर्क होगा। तो इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम एंड बॉडी सिस्टम से बॉडी बनती है। तो ए सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, जितने भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है बेसिक। अब देखिए, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, जो सेल किससे बना है इसकी स्टडी करने के लिए जो होती है वो एक ब्रांच होती है पर्टिकुलर, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कैसी सेल थी? वो डेथ सेल थी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ए वी लीवेनहॉक, यानी किसने डिस्कवर किया था? ए वी लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा सेलुलर बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उसके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक है प्रोकैरियोट एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रो यानी पुराना, ठीक है, साउंड लाइक पुराना, प्रो, ठीक है, एंड यूकैरियोटिक, यू न्यू नया, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रो यानी पुराना और कैरियोटिक यानी केंद्रक, ठीक है। कैरियोट जो वर्ड है वो केंद्रक या न्यूक्लियस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी पुराना केंद्रक वाली सेल, जिसमें कैसे होंगे? पुराने टाइप के जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब देखिए, इसमें या तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, एब्सेंट होता है, या फिर पुराने जिसको बोलते हैं आद्य टाइप का जो केंद्रक प्रेजेंट होता है, जैसे कौन से हो गए इस टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए? बैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक जिसमें न्यू टाइप का यानी एडवांस होगी वो सारी जो भी प्रोसेस जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, क्योंकि सब में एडवांस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सिस्टम भी अच्छे से परफॉर्म किए जाएंगे। तो जितने भी एल्गीज हो गए, अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब किस में होते हैं? यूकैरियोटिक में। तो बेसिक एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंसेस जो हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो स्मॉल होती हैं साइज में, और यूकैरियोटिक कैसी होती हैं? थोड़ी लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं। जो न्यूक्लियर रीजन है नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर रीजन रहता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के से कवर नहीं होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें कवर रहता है, यानी सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियोलस है वो एब्सेंट होता है पूरी तरह से किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है सेल बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट, जो सेल ऑर्गेनिल्स को बाउंड करती है वो मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होती है। सेल डिवीजन, अब देखिए, जो इसमें अपनी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस बनाने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो होती है, तो इसमें क्या होते हैं कि सेल डिविजन्स होते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए या स्पीशीज़ के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, किसी भी तरह के जो रिप्रोडक्शंस वगैरह रहेंगे तो इसमें क्या होगा? सेल डिविज़न किसके थ्रू होगा? वो होगा फिजन एंड बडिंग, यानी दो प्रोसेस हैं, फिजन एंड बडिंग, इन दोनों के थ्रू क्या होगा कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें जो जनरल सेल डिवीजन हम पढ़ते आए हैं मियोसिस एंड माइटोसिस, उसके थ्रू होता है। तो देखिए, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जैसे कि कौन सी होती हैं? जीवाणु कोशिकाएं, यानी जो भी बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और शैवाल हो गए जैसे, और बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव हो गए वो सब होते हैं। तो ये हो ही गया। फिर इसके बाद में देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स क्या रहते हैं, तो वो रहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये बेसिक थ्री कंपोनेंट्स हैं जो सभी सेल के होते हैं।
तो हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसे। अब देखिए, थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश कीजिए कि बाहरी परत होती है सबसे ज़्यादा, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जो पर्यावरण से अलग करती है जो घटक रहते हैं उनको, कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है। इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जैसे अगर साइटोप्लाज्म के ऊपर सेल्स के बीच में अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो साइटोप्लाज्म रहेंगे वो आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, यानी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। दोनों में क्या होती है, एनिमल और प्लांट सेल में, दोनों में प्रेजेंट होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किससे बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड्स से बनी होती है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, यानी चयनात्मक प्रकृति की होती है, परमिएबल ट्रांसपेरेंट रहती है, ठीक है। इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसका क्या वर्क फंक्शन बेसिकली क्या रहेगा, कि जैसे सेलेक्टिवली परमिएबल है तो उसको ये पता है कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं उनको अंदर आने देना है या उनको परमिट करना है या नहीं आने देना है, ठीक है। तो ये अलाउ करती है, सेलेक्ट करती है कि ये चीज़ अंदर आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो ये सेलेक्ट करती है और परमिएबल है, ट्रांसपेरेंट है एक दूसरे अंदर बाहर जाने के लिए, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये इसका नेचर कैसा है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड यूनाइटेड, यानी ये एक बार टूट जाती है तो वापस से रिपेयर होने का इसमें क्या है, एक सिस्टम है, और ये वापस से सही हो जाती है। तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट रेगुलेट्स द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यानी मॉलिक्यूल्स के जो मोमेंट रहेंगे उनको रेगुलेट करेगी आउटसाइड और इनसाइड के, ठीक है, सेल के बाहर और अंदर के। और क्या करती है, इट हेल्प्स द मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, वायरसेस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, वायरस के पास किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, वायरस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो अब सेल वॉल पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, जैसे सेल वॉल, वॉल से ही पता चल रहा है कि रिजिड टाइप की कोई स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, सेल वॉल टाइप का कोई भी ऑर्गन जो रहता है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। कैसे, अगर जैसे हम प्लांट्स को देखते हैं तो वो उनका जो मोमेंट है वो एक रिजिड टाइप से खड़े ही रहते हैं, ठीक है। चाहे प्लांट्स किसी भी टाइप का, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल होती है। अगर ऐसा कुछ हमारे अंदर होता तो हमें भी मोशन करने में, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एनिमल सेल में ही सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज़ रिजिड, स्ट्रॉन्ग एंड थिक, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप ऑफ द सेल। सेल को क्या करती है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एंड इट इज़ ऑल्सो परमिएबल है। ये किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट साइजेस को अंदर और बाहर करने के लिए सेल वॉल क्या करती है, काम करती है। चलिए आगे देखते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है, एक नेटवर्क बनाता है साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ टू टाइप्स ऑफ रफ एंड स्मूथ। अब देखिए, ऐसा इसको क्यों कहते हैं कि दो टाइप का होता है, रफ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। क्या होता है कि राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो किस टाइप का होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अदरवाइज इट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये क्या करता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक नेटवर्क सिस्टम का क्या करता है, नेटवर्क सिस्टम बनाता है। RER इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो किससे होता है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो लिपिड्स और फैट्स रहेंगे, वसा वगैरह जो रहेगा, इसका किससे होगा सिंथेसिस? मॉलिक्यूल्स का वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है। तो जो ये मेन पूछा जाता है ये होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस किससे होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ओके, आगे हम देखते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। तो ये क्या होती है, इसकी जो डिस्कवरी है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये झिल्लीयुक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, तो मतलब क्या है, ये पैरेलल रहती है, एक दूसरे के ऊपर रहती है, और कुछ इस टाइप की कुंडली टाइप की स्ट्रक्चर में रहती है जिसे सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या है, इट जॉइंस ईआर मेम्ब्रेन्स टू फॉर्म अनदर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम। सेकेंड वन इज परफॉर्म पैकेजिंग फॉर मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन ईआर। ईआर के संश्लेषित पदार्थों के लिए क्या करती है, पैकेजिंग का काम करती है। फिर है कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर फॉर्म्ड फॉर कॉमन शुगर्स इन गोल्जी अपरेटस। तो क्या होगा, गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से क्या होती है, जटिल शर्करा, यानी सिंपल टू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में ये क्या होती है, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। फिर देखो लाइसोसोम आर ऑल्सो मेड बाय इट। जो लाइसोसोम्स रहते हैं वो भी किसके थ्रू होते हैं, गोल्जी अपरेटस के थ्रू बनाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये मेन तो यहाँ ये है कि कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, और सिस्टर्न ये रहते हैं इसमें, तो यही इम्पोर्टेंट है, और ये कॉम्प्लेक्स से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, और लाइसोसोम का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम क्या है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में क्या कहते हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो शेप रहती है वो किस टाइप की होती है, राउंड शेप होती है, और जैसे बताया कि साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग करते रहते हैं ये। और ये देखिए, अब जैसे मैंने बोला था ईआर, आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये किससे जुड़े रहते हैं, रफ एंड अंतरप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेन जो है ये पॉइंट, द राइबोसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल एज इट मेक्स प्रोटीन। जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन है वो कौन करता है, राइबोसोम ही करता है, किसके साथ मिलके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके, जिससे क्या बन जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है, और उसके बाद में क्या होते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो फंक्शंस में भी यही होगा, एक तो जैसे प्रोटीन्स होते हैं उससे क्या बनते हैं, आरएनए, ठीक है। तो इट मेड ऑफ आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट मेक्स प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या होती हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर देखिए, इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। तो ये क्या करती हैं, कोशिकाओं के जैव रासायनिक क्रिया के लिए क्या करती है, बेस या सरफेस यानी सतह प्रदान करती हैं, ठीक है। और जो आरएनए है वो किसका बना होता है, जो राइबोसोम है वो किसका बना होता है, वो आरएनए इसका बना होता है, ये रहा, इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये है कि राइबोसोम्स इज आल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ सेल, किसके लिए, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने के लिए, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है इसके बाद में, और बायोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए सरफेस प्रोवाइड करवाती है। फिर इसके बाद में आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हटाने के लिए बॉडी से लाइसोसोम यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कभी कभी कि कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो चीज़ें, तो जो बैग रहता है लाइसोसोम बैग टाइप स्ट्रक्चर है वो फट जाता है, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि कौन सी चीज़ डाइजेस्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी है, तो वो जो खुद की सेल्स होती हैं उन्हीं को क्या करने लग जाता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है। इसे क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं या सुसाइडल सैक भी कहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ बैग होगा, ठीक है। तो ये है लाइसोसोम आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। द लाइसोसोम डाइजेस्ट एंड क्लीन्स द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द सेल्स अलॉन्ग विद द फॉरेन सब्सटेंस, यानी जैसे अदर सब्सटेंस जो रहेंगे जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उन जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती तो वो लाइसोसोम में डाइजेस्ट होते हैं। लाइसोसोम कंटेंस वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम
दैट आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, अब देखिए इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, तो देखिए व्हेन द सेल इज डैमेज्ड और डेड ड्यू टू डिस्टर्बेंस, अब जब मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें डिस्टर्बेंस आने लग जाता है तो उसके बाद क्या होता है, लाइसोसोम का जो ये थैली होती है, बैग होता है, ये फट जाता है, जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद इसे खुद नहीं पता होता है कि कौन सी जो सेल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना है, तो ये जो खुद की सेल्स हैं उन्हीं को क्या करने लग जाता है, ख़त्म करने लग जाता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शंस देखिए, इट कलेक्ट्स द वेस्ट ऑफ द सेल एंड कीप्स द सेल क्लीन। तो ये क्या करता है कि जितने भी अपशिष्ट या डाइजेस्ट नहीं होने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और जो सेल्स होती हैं उनको साफ रखता है। इन एडिशन टू इट्स पावरफुल एंजाइम्स सेल्स डाइजेस्ट बैक्टीरिया फूड एंड वर्म्स। तो इसमें क्या होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं कोशिकाओं के अलावा, जैसे जो भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके अलावा भी ये क्या करती है, जैसे बैक्टीरियाज और जो ये वर्म्स होते हैं इनको भी क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। फिर देखो, इट रिमूव्स डेड एंड डैमेज सेल्स, तो ये इसका मेन पॉइंट रहता है, इट रिमूव्स डेड एंड डैमेज सेल्स, तो ये क्या करती है, जो मर जाती हैं कोशिकाएँ या डैमेज हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनको हटाने का भी काम करती है। अब हमारा एक मेन टॉपिक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है, यानी डबल मेम्ब्रेन सेल होती है ये। ऑर्गेनेल्स कैसा है, ये डबल मेम्ब्रेन है। द आउटर मेम्ब्रेन इज प्रीफोर्टेड एंड द इनर मेम्ब्रेन इज वेरी राउंडेड। तो इसमें देखो, बाहरी जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, छिद्रित होती है, बहुत सारे छेद होते हैं, और जो अंदर वाली होती है वो राउंड वलित होती है एकदम से। ठीक है, अब इट हैज़ ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये इसकी मेन लाइन है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके अंदर क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, तो इसका मतलब क्या है, खुद के लिए खुद ही प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर लेती है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर अमेजिंग ऑर्गेनिज्म, इसी वजह से क्या है, ये अमेजिंग ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए कि जैसे हमने पढ़ते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं सेल का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एटीपीज का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जो सर्वाइवल के लिए जितनी भी हमें एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव होती है, स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में क्या होती है, एटीपी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एटीपी जो है वो सेल्स को क्या करती है, एनर्जी देती है, और इसी एनर्जी का वो यूज़ क्या करते हैं, जो न्यू केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको बनाने में और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनको करने में ये जो एनर्जी है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, एटीपी को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है सेल्स को किसी भी फंक्शन को या फिर किसी भी केमिकल जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मेशन या मैकेनिकल वर्क के लिए क्या करती है, एनर्जी देती है। तो फंक्शन क्या होगा, इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में क्या करती है, एनर्जी देती है। इट कंटेन्स एंजाइम और सेलुलर रेस्पिरेशन, इट मेक्स सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन, द एक्युमुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर एनर्जी इज डन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या करती है, इसमें कोशिकीय श्वसन के लिए जो एंजाइम होते हैं और एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा देती है, खुद का प्रोटीन खुद बनाती है। इसके अलावा क्या होता है कि कोशिकीय ऊर्जा का संचय एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, यानी क्या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा, यानी जितनी भी एनर्जी रहेगी सेल्स के लिए वो इसको स्टोर भी करेगी और उसके बाद में इनके फॉर्मेशन के लिए भी ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आता है एक बढ़िया टॉपिक, आता है हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड यानी लवक, प्लास्टिड क्या होते हैं, ये केवल प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किस में होते हैं, केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्लियाँ वाली परतें होती हैं। ठीक है, जब बहुत सारी मेम्ब्रेन्स वाली जो लेयर्स होती हैं उन सबको क्या कहते हैं, स्ट्रोमास कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है बाहर से दिखने में। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था कि खुद का डीएनए और राइबोसोम थे, इसमें भी यही होता है, यानी ये दो ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनमें खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है।
ये तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं कलर प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वाइट एंड कलर लेस प्लास्टिड्स होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो जनरली उसके बारे में पढ़ा ही है कि ग्रीन पिगमेंट जो रहता है प्लांट्स के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो अब देखो हम इसको देखते हैं, ये जो तीन प्लास्टिड्स हैं ये क्या है। क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट जो रहता है, क्लोरोफिल इज़ नॉट फाउंड इन इट एंड इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में पूरा बता चुकी हूँ, फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टार्टिंग टू एंड जितना भी फोटोसिंथेसिस का होता है साइकिल्स वगैरह के साथ में, तो आप वो पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लोरोफिल की तरह ही यूज़ है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम नहीं करता है, यानी खुद का फूड जो है खुद सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, प्लांट को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए कि वो जो है वो सुंदर दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए, समझ रहे हो, जो प्लांट्स के अट्रैक्ट होते हैं ना, कई वो इंसेक्ट्स वगैरह भी अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे 12th क्लास में पूरा है एक चैप्टर। ठीक है, जो उनके फ्लावर्स में जो उनकी फूल रहते हैं या उनकी पंखुड़ी रहते हैं, उनके कलर हो गए, उनकी शेप हो गई, इस सब के लिए क्या होता है, ये क्रोमोप्लास्ट होता है। फिर उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट, तो ये प्राथमिक रूप से क्या होता है, जिसमें स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन जैसे जो ये एलिमेंट्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, और ये जो प्लांट्स रहते हैं जड़ जो उनकी रूट रहती है उन भागों में पाया जाता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यानी ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो हरा पिगमेंट रहता है ग्रीन पिगमेंट वो नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ये वाइट होते हैं और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, तो ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, जो ये वाइट कलर देने के लिए होते हैं। जैसे जो हमारी रूट्स होती हैं वो जनरली हमने देखी होंगी वो नीचे से वाइट ही होती हैं। ठीक है, तो ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो जनरली सभी को पता है, जो कि प्लांट्स में लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें इसका मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है। ठीक है, और ये फूड के सिंथेसिस में काम आता है, क्योंकि क्या करता है, ये सनलाइट जो रहती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं प्लास्टिड्स के, तो प्लास्टिड्स के फंक्शन देखिए, ये बहुत सारे टाइप के जो प्लांट्स में कलर होते हैं उनको देने का काम करता है। फिर इसके बाद में जो भी क्लोरोफिल वगैरह रहते हैं ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम आते हैं। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टार्च, फैट, प्रोटीन इनको स्टोर करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए, फंक्शंस हो गए, कलर वगैरह या प्लांट को अच्छा दिखाने के लिए या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए या फैट, स्टार्च, प्रोटीन को इनको स्टोर करने के लिए सारे काम इनके होते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं। ठीक है, सॉरी वैक्यूल्स रसधानियां। ठीक है, फिर इसके बारे में देखिए क्या होता है, ये कैसा बैग होता है, जूसी सॉलिड और लिक्विड स्टोरेज बैग। तो कैसा हो गया कि सॉलिड यानी ठोस और तरल पदार्थों के संग्रह की थैली होती है ये एक तरह से, और ये क्या होती है कि जो एनिमल सेल है उनमें तो छोटी होती है और जबकि प्लांट सेल है उनमें बड़ी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एनिमल सेल में तो छोटी होंगी, स्मॉल इन एनिमल सेल, वाइल कैपिलरीज आर वेरी लार्ज इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स के फंक्शन देखिए, ये कोशिकाओं को क्या करती है, स्फीतियम कठोरता स्ट्रेंथ जो रहती है उसको, हार्डनेस जो रहती है और फ्लेशन जो रहता है उसको क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। एसेंशियल सब्सटेंस सच एज एमिनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स एट्सेट्रा आर स्टोर्ड इन जूसेस। इन ये सब क्या रहते हैं, जूस की फॉर्म में क्या रहते हैं, इसमें स्टोर रहते हैं। ठीक है, इन सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द स्पेसिफिक जूस हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, वर्क क्या करते हैं कि एक्सेस जो वाटर रहता है इनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, जितने भी जूस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप सपोर्ट करेंगे तो नए वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।